आज हम लोग बनाएंगे दही पनीर। इसके लिए हम लोगों को चाहिए पनीर के टुकड़े कटे हुए, प्याज, आलू ऐसे छोटे टुकड़े में कटे हुए, लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट, ड्राई पाउडर में आपको नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर। इसके साथ आपको चाहिए हरी मटर, मैंने फ्रोजन ली हुई है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, दही और सरसों का तेल। चलिए बनाना शुरू। कढ़ाई में तेल डाल के तेल गर्म कर लें। अगर आप चाहें इस समय थोड़ा सा जीरा अगर डालना तो आप जीरे का थोड़ा सा छौंका भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब इसमें आप डाल लें आलू। आलू को डाल के हल्का सा चला लें और साथ ही साथ आप डाल लें इसमें प्याज और ये आलू और प्याज को हम लोग एक साथ भुनेंगे। देख सकते हैं आलू और प्याज हल्का सा भुन गया है, कलर चेंज होने लगा है। अब इस स्टेज पे हम लोग डाल देंगे इसमें जो फ्रोजन मटर हम लोगों ने रखा है वो, और इसको भी 2 मिनट भून लेंगे। अब 2 मिनट हो गए हैं, अब हम लोग इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। अब अदरक लहसुन भी 2 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, अब इसमें हम लोग जो ड्राई पाउडर है वो मिलाएंगे, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, मिर्ची और धनिया पाउडर। अब इसको सबको मिला के अच्छे से इसको भून लेंगे तेल छोड़ते तक का। अब देख सकते हैं अच्छे से भुना गई है, अब ये तेल भी यहाँ से छोड़ने लगा है और अच्छे से सब्जियाँ सब फ्राई हो गई है। अब हम लोग डालेंगे इसमें दही और दही को डाल के हम लोग इसको कंटिन्यूअस चलाएंगे वरना दही फटने का डर होता है। कंटिन्यू चला के इसको भूनेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से तेल छूट गया है दही डालने के बाद, करीब 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया हुआ है, चलाते हुए भूना है। आप ऐसे ही भून लें, जब ये अच्छे से तेल छोड़ गया और इसमें आपको जितनी करी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें। मुझे थोड़ा सा ही इसमें पानी की रिक्वायरमेंट है इसलिए मैंने एक कटोरी ही पानी डाली है, छोटी कटोरी में। अब इस पे हम लोग डाल देंगे पनीर। आप देख सकते हैं ये दही पनीर मेरी बनके तैयार है, इसको हम लोग मनचाहे बर्तन पे निकाल लेंगे। बनके तैयार है दही पनीर, ये रोटी या पराठे के साथ आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, जो भी नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।